नमस्कार, मैं हूं मापाल और आप देख रहे हैं धौलपुर जिले की जनता का सबसे लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक। दीपावली का त्यौहार बस कुछ ही दिनों में आने वाला है और दीपावली, गोवर्धन और भाई दूज को लेके लोगों के मन में तरह तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। तो इसी के साथ आज हमारे साथ मौजूद है पंडित लोकेश आचार्य जी, तो जो हमको बताएंगे कि किस तरीके से हम दीपावली की पूजा करें जिससे माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हम पर सदैव बना रहे। तो आइए हम जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, आप हमें बताइए कि किस तरह इस बार दीपावली की पूजा करनी चाहिए हमें। राधे राधे। सबसे पहले तो आपको और आपके सभी दर्शकों को दीपावली की अनेक अनेक शुभकामनाएं। सभी पर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। ततश्चा विरभूत साक्षात श्री रमा भगवत परा रंजयंती दिशा कांत्या विद्युत सौदा मनी यथा। जैसा कि हम पहले पिछली बार जब दीपावली आई थी उसमें हम चर्चा कर चुके हैं कि लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव इस दिन हुआ था तो हम दीपावली मनाते हैं, जो कि कम लोगों को पता था और उस चैनल के माध्यम से सबको पता चला कि इस दिन लक्ष्मी जी की पूजा ही क्यों की जाती है। समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ और श्रीमद् भागवत जी के 8वें स्कंद के 8वें अध्याय का और 8वां श्लोक है। ततश्चा विरभूत साक्षात श्री रमा भगवत परा रंजयंती दिशा कांत्या विद्युत सौदा मनीयथा। यानी कि लक्ष्मी माँ उस समुद्र से उनका जब आविर्भाव हुआ, जब आविर्भूत हुई तो सारी दिशाएं चमक मारने लगीं। जो भी था मतलब जैसे बिजली चमकती है इस तरीके से समुद्र चमक आ गई। तो माँ लक्ष्मी की कृपा उस दिन बनी रहती है, उनका प्रादुर्भाव कहें, उनका उनकी जयंती कहें, ये सब उस दिन होता है। दीपावली का जो पर्व है इस बार थोड़ा सा अमावस्या तिथि जो पड़ रही है उसमें ग्रहण भी है जी। तो सूर्य ग्रहण की वजह से एक दिन पहले मनाई जा रही है या उसी दिन मनानी चाहिए थी, ग्रहण अगले दिन पड़ रहा है, ये समस्याएं, कुछ असमंजस, कुछ समाधान इसके साथ में भी जुड़े हुए हैं। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि दीपावली जो मनाई जा रही है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि दीपावली है रात्रि पर्व, क्योंकि ये रात का त्यौहार है। हमारे यहाँ तीन रात्रियों को बहुत प्रमुखता दी गई है, कालरात्रि, मोहरात्रि, महारात्रि, थई बचाओ। कालरात्रि को, मोहरात्रि को और महारात्रि को। तो जो होली होती है उसको हम कालरात्रि बोलते हैं, क्योंकि उस दिन होलिका दहन होता है तो होलिका का काल भी था उस दिन। उसके बाद जो महारात्रि होती है वो महाशिवरात्रि होती है, वो भी अपने आप में अद्भुत है, उसका भी महत्व है। और दीपावली जो होती है वो मोहरात्रि है। तो कालरात्रि और महारात्रि हम मना चुके हैं, अब ये जो पर्व है मोहरात्रि का है, इसलिए रात्रि काल में ही हम इसको मनाते हैं। और रात्रि में उस समय अमावस्या का होना जरूरी है, क्योंकि दीपावली अमावस्या को मनाई जाती है। इसलिए 24 अक्टूबर को जो दीपावली हम मना रहे हैं सोमवार को, तो सोमवार को जो दीपावली है उस तिथि है, वो दीपावली की तिथि अमावस्या तिथि शाम के समय हमको मिल रही है। तो पंडित जी, इसका पूजा करने का क्या विशेष मुहूर्त रहेगा, क्या समय में हम पूजा करें जिससे माँ की कृपा हम पर बनी रहे? जी देखिए, देखो जैसे कई बार क्या होता है, कुछ कार्य प्रमुख होते हैं, कुछ गौण होते हैं। तो प्रमुख कार्य जब होते हैं तो गौण कार्य, यानी कि जो कार्य ज़्यादा आवश्यक नहीं होते हैं या छोटे कार्य होते हैं, वो अपने आप बाधक हो जाते हैं। तो दीपावली के दिन सारे मुहूर्त ही, यानी पूरा दिन जो 24 घंटे हमको मिलते हैं वो सब श्रेष्ठ हैं। किंतु लक्ष्मी जी की पूजा किस ऐसे मुहूर्त में की जाए जिससे कि अधिक से अधिक उत्तर उत्तर वृद्धि हमको मिले, तो उसका विशेष मुहूर्त होता है। उस दिन शाम के समय 5:40 से, शाम के समय जो प्रदोष बेला होती है जिसे हम गोधूली लग्न भी कहते हैं, गोधूली भी होती है और प्रदोष बेला भी होती है, तो ये उस दिन 24 तारीख को शाम को 5:40 से और रात्रि के 8:32 तक है। इस समय यदि हम पूजन करते हैं सर्वश्रेष्ठ फल हमको प्राप्त होते हैं। किंतु इसके साथ ही एक वृषभ लग्न होती है जिसको हमारे शास्त्रों में स्थिर लग्न माना गया है। स्थिर लग्न का मतलब होता है कि यदि इस लग्न में हमने पूजा की, पूजन किया, तो लक्ष्मी हमारे यहाँ स्थिर बनी रहती हैं। लक्ष्मी जी का स्वभाव चलायमान है, तो वह स्थिर कैसे बने, उसमें यदि हम पूजा करना चाहें तो वह रहेगी 7:14 से 9:11 तक। तो इसलिए 5:40 से यदि हम प्रारंभ करते हैं पूजन करना, तो 9:11 तक हम लक्ष्मी पूजन कर सकते हैं। ऐसा करने से हमारे कारोबार में भी वृद्धि होगी और घर गृहस्थी जिन भी लोग हैं और हमारे घरों में सुख शांति समृद्धि माँ की कृपा से बनी रहेगी।
पंडित जी, दिवाली को मिठाइयों का त्योहार भी कहते हैं, तो हम माँ लक्ष्मी को किस मिठाई का भोग लगाएं? माँ लक्ष्मी को कौन सी मिठाई सबसे ज़्यादा प्रिय है? देखिए, मिठाइयाँ शुद्ध के लिए युद्ध चल रहा है जी। तो खीर जो होती है ना, वो लक्ष्मी जी की सर्वश्रेष्ठ प्रिय मिठाई है, इसलिए घर में बनाइए और मैया को खिलाइए। तो मैं तो सलाह ये दे रहा हूँ कि आप खीर बना करके माँ का भोग लगाएं, ये तो आवश्यक है ही। यदि आप और मिठाइयाँ लाना चाहते हैं तो सफ़ेद रंग की मिठाई महालक्ष्मी को, क्योंकि खीर भी सफ़ेद होती है, कभी हम उसमें केसर डाल देते हैं तो थोड़ा रंग बदल सकता है, किंतु वह सफ़ेद रंग में ही मानी जाती है। इसलिए बर्फ़ी हो या कोई भी सफ़ेद मिठाई, उसका भोग अगर हम माँ लक्ष्मी को लगाते हैं, और मैं तो विशेष रूप से अनुरोध करूँगा कि खीर का भोग अवश्य लगाएं, तो वह माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि हम जब यज्ञ करते हैं तो यज्ञादियों में भी खीर के द्वारा ही माँ लक्ष्मी के स्तोत्र से, श्री सूक्त से आहुति दी जाती है और उससे माँ प्रसन्न होती हैं। तो खीर का भोग अवश्य लगाएं, और याद रखें कि हो सके तो सफ़ेद कलर जो रंग होता है उस मिठाई का प्रयोग किया जाए, इसीलिए जो खोआ है ना उस पर जोर दिया जाता है। दीपावली पर खोए की मिठाइयों का जोर इसलिए होता है क्योंकि खोआ सफ़ेद रंग में आता है, दूध से बनता है, और माँ लक्ष्मी के लिए उनको हम रख सकते हैं, किंतु वह सफ़ेद रंग में ही बना रहे, वो नहीं मिठाइयों का हम प्रयोग ज़्यादा करें। पंडित जी, दीपावली के दिन माता रानी के अखंड ज्योति का क्या हमें फलदायक रहता है, मतलब हमें क्या फल मिलता है माँ की अखंड ज्योति जलाने का, ये हमारे दर्शकों को आप बताइए। देखिए, जो मैंने अभी पहले बताया कि ये रात्रि पर्व है, इसलिए वो प्रातः काल से अखंड दीपक नहीं जलाया जाता है। जब माँ की पूजा की जाती है गोधूली बेला में या प्रदोष बेला में सायंकाल के समय, उस समय एक दीपक जलाया जाता है, और क्योंकि ये रात्रि पूरी रात्रि का पर्व है, इसलिए उसको अखंड जला करके हम पूरी रात्र घी का दीपक मैया के आगे रखते हैं। दीपक हमारे कर्मों का साक्षी होता है, किसी भी पूजा में बिना दीपक के कोई पूजा प्रभावी नहीं होती है, क्योंकि जो साक्षी कहते हैं हम एक तरह से गवाह, हमारे जो कर्म हैं उनके गवाह जो दीप देवता होते हैं, उनके आगे किए गए जो भी कार्य होता है वो निश्चित रूप से फल प्रदान करने वाला होता है। उस दीपक को हम जलाते हैं। इसमें एक विशेष बात यह है कि इसमें सिंह लग्न की भी बड़ी, जैसे मैंने भी बताया वृषभ लग्न शाम को पूजन के लिए महत्व होता है, 7 बजकर के जो आ रही है 14 मिनट से 9 बजकर 11 मिनट तक, उसमें हम पूजा करें। रात्रि में एक सिंह लग्न भी आती है, इसके बाद वृषभ के बाद मिथुन कर्क, ये 2 लग्न बीच में चली जाती हैं और फिर सिंह लग्न आती है। वो सिंह लग्न इस बार 1 बजकर के 42 मिनट से और 3 बजकर के 51 मिनट तक आ रही है। तो 3 बजकर के 51 मिनट 57 मिनट जो भी है, तो ये जो समय है सिंह लग्न का, इसमें श्री कनक धारा स्त्रोत्र जो महालक्ष्मी जी का स्त्रोत्र है, ऐसा माना जाता है कि आदि शंकराचार्य जी ने एक बार इस स्त्रोत्र का पाठ करके और धन वर्षा कराई थी, यानी सोने की वर्षा कराई थी, तो स्वर्ण वर्षा को ही कनक धारा कहा जाता है। तो उस कनक धारा स्त्रोत्र का पाठ करके और श्री सूक्त आदि का पाठ करके हम लोग लाभ ले सकते हैं। वह दीपक जलता रहना चाहिए और हमारे पूजाएं चलती रहनी चाहिए। ये जो सिंह लग्न होती है, इसका बड़ा विशेष महत्व दीपावली पर होता है। जिन लोगों ने प्रदोष बेला में या गोधूली बेला में पूजन नहीं किया, या किसी कारण से नहीं कर पाए, या कर चुके हैं फिर भी अगर वो सिंह लग्न में पूजन करते हैं, तो माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा उनको प्राप्त होती है। इस रात्रि को गोपाल सहस्त्र नाम स्तोत्र होता है, जो गोपाल जी के 1000 नाम जिसमें होते हैं, उसका पाठ यदि करवाया जाए, कई लोग 108 पाठ भी करवाते हैं, या आप जितने आपको यथाशक्ति पाठों का उसमें अगर किया जाए, तो कनक धारा स्तोत्र के साथ गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करने से वह व्यक्ति निश्चित ही धनवान बनता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया, निश्चित उसको धन लाभ होता है। तो हमें ये याद रखना है कि सिंह लग्न 1 बजकर 41 मिनट से 3:57 तक रहेगी, इस बीच में पूजा जरूर करनी है। कई बार हम लोग क्या करते हैं, दीपावली पर शाम को दीपावली का पूजन किया और कुछ मिठाइयाँ खाई, कुछ पटाखे जो भी हमें करना है वो करने के बाद सो जाते हैं। हमें अगर यदि पूरी साल सुखमय समृद्धि में बनानी है, तो सिंह लग्न के समय जरूर जागना चाहिए। ये लक्ष्मी जी का जो आगमन होता है, या लक्ष्मी जी विशेष रूप से कृपा जो बनती है, वो कनक धारा स्तोत्र का पाठ या सिंह लग्न में की गई पूजा से हमको प्राप्त होता है। इसलिए आप सिंह लग्न में, ये हम सभी दर्शक जो भी हैं, वो उस लग्न में पूजन करने से ये विशेष कृपा उनकी प्राप्त कर सकते हैं। पंडित जी, गोवर्धन को लेके भी लोगों के मन में कई तरीके की चर्चाएं चल रही हैं, गोवर्धन पूजा का समय क्या रहेगा शुभ, इसके बारे में आप बताइए। श्री कन्हैयालाल कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन के निदेशक डॉक्टर सुशील शर्मा एवं प्रिंसिपल डॉक्टर मधुलिका शर्मा की ओर से सभी मनिया क्षेत्र वासियों को
धौलपुर जिले वासियों को एवं प्रदेश वासियों को धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि दीपावली का यह पर्व आपके जीवन में खुशियां की रोशनी भर दे। हैप्पी दिवाली। हमारे कॉलेज में 4 वर्षीय BA BEd और BSc BEd तथा 2 वर्षीय VEd का कोर्स कराया जाता है। पता फूलपुर रोड, मनिया, धौलपुर। RM मित्तल स्टील प्राइवेट लिमिटेड धौलपुर के निदेशक उद्योगपति राजीव मित्तल की ओर से सभी धौलपुर जिलेवासियों को, प्रदेशवासियों को एवं देशवासियों को धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि दीपावली का यह पर्व आप सभी को रोजगार दे और धौलपुर जिला उद्योग धंधों के मामलों में खूब तरक्की करे तथा आप सभी खुश रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर से हैप्पी दिवाली। आपका अपना राजीव मित्तल, निदेशक RM मित्तल स्टील प्राइवेट लिमिटेड धौलपुर। नमस्कार, मैं महेश ठाकुर एडवोकेट, सरपंच प्रतिनिधि ग्राम पंचायत तगावली की ओर से सभी ग्राम पंचायत वासियों को एवं धौलपुर जिले के नागरिकों को धनतेरस एवं दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, हार्दिक बधाई देता हूं उनको, उनके परिवार को। दीपावली शुभ हो, मंगलमय हो। इस फास्टैग चैनल के माध्यम से मैं एक और सभी नागरिकों को महत्वपूर्ण संदेश देना चाहता हूं कि वे राजस्थान सरकार के श्रीमान अशोक गहलोत जी के द्वारा जो चिरंजीवी बीमा योजना चलाई जा रही है, उस योजना में अपना पंजीकरण आवश्यक रूप से कराएं। उक्त योजना बहुत ही कल्याणकारी और महत्वपूर्ण योजना है। उक्त योजना में सभी नागरिकों को 10 लाख रुपए तक का राजस्थान में अच्छे से अच्छे अस्पताल में मुफ्त में इलाज होता है। जिन जिन नागरिकों के नाम खाद्य सुरक्षा की सूची में जुड़े हैं, उनका इस योजना में पंजीकरण कराने में कोई शुल्क नहीं है। लेकिन जिन लोगों के नाम नहीं जुड़े हैं, उनको 850 रुपए देकर ई मित्र के माध्यम से अपना पंजीकरण करवा सकते हैं और ये जो योजना का लाभ ले सकते हैं। साथ में ही इस योजना में एक और महत्वपूर्ण अच्छी बात है कि दुर्घटना के केस में भी 5 लाख रुपए तक का राजस्थान सरकार के द्वारा उनको सहायता प्रदान की जाती है। तो मेरी अपील है, आग्रह है कि वे इस योजना में अपना पंजीकरण करवाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। राजपूत सभा धौलपुर के जिला अध्यक्ष ठाकुर भागीरथ सिंह सिकरवार, उनके पिताजी ठाकुर देवी सिंह सिकरवार, भाई दलवीर सिंह उर्फ बाबूजी, भाई बलबीर सिंह डबल ए क्लास संवेदक एवं युवा नेता अशोक सिंह सिकरवार उर्फ राजा भैया की ओर से सभी धौलपुर जिलेवासियों को, प्रदेशवासियों को एवं देशवासियों को धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सभी समाजों के बीच आपसी सौहार्द और प्रेम बना रहे। यह दीपावली सभी के जीवन में खुशियों की रोशनी भर दे। हैप्पी दिवाली। फर्म मैसर्स बलबीर सिंह, कॉन्ट्रैक्टर डबल ए क्लास। राजस्थान सरकार के पशुधन विकास बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष जगमोहन सिंह बघेल एवं भाजपा के युवा नेता विक्रम सिंह बघेल की ओर से सभी धौलपुर जिलेवासियों को, प्रदेशवासियों को एवं देशवासियों को धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि पूरे प्रदेश में अमन चैन बना रहे और यह दीपावली प्रदेशवासियों के जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए। हैप्पी दिवाली। लिटिल मिलेनियम प्ले स्कूल के निदेशक अभिनव बैरी और प्रिंसिपल दीपाली बैरी की ओर से धौलपुर जिलेवासियों को एवं प्रदेशवासियों को धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपके जीवन में दीपावली का ये पर्व खुशियों की रोशनी भर दे, आपके बच्चे खूब पढ़ें लिखें और तरक्की करें तथा आपका और जिले का नाम रोशन करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हैप्पी दिवाली। एडमिशन ओपन। पता ऑफिसर कॉलोनी, गुलाब बाग, धौलपुर।
देवेंद्र सिंह कुशवाहा सरपंच ग्राम पंचायत नकटपुरा की ओर से समस्त धौलपुर जिले वासियों को एवं ग्राम पंचायत नकटपुरा वासियों को दीपोत्सव के पावन पर्व धरतेरस दीपावली गोवर्धन पूजा भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि समस्त जिलेवासी एवं पंचायतवासी हमेशा स्वस्थ रहें और मस्त रहें। हैप्पी दिवाली। अनुज खाद बीज भंडार सरानीखेड़ा के संचालक बनवारी लाल सिंघल व विकास सिंघल की ओर से समस्त धौलपुर जिले वासियों को धनतेरस दीपावली गोवर्धन पूजा व भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि दीपावली का यह पर्व आप सभी के जीवन में खुशियों की रोशनी भर दे। हैप्पी दिवाली। एसके किराना सरानीखेड़ा के संचालक माता प्रसाद सुनील कुमार सिंघल की ओर से सभी सरानीखेड़ा क्षेत्रवासियों को धौलपुर जिले वासियों को एवं प्रदेशवासियों को धनतेरस दीपावली गोवर्धन पूजा और भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान आपकी जीवन में सुख शांति और समृद्धि प्रदान करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हैप्पी दिवाली। अग्रसेन खाद बीज भंडार की ओर से समस्त प्रदेशवासियों को एवं जिलेवासियों को दीपों के पावन पर्व धनतेरस छोटी दीपावली बड़ी दीपावली गोवर्धन पूजा व भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाई। हमारे यहाँ हर प्रकार के खाद व बीज व कीटनाशक दवाएं मिलती हैं। हमारे यहाँ हर प्रकार के उर्वरक उचित रेट पर मिलते हैं। पता अग्रसेन खाद बीज भंडार सरानीखेड़ा, प्रोपराइटर परशोत्तम सिंघल एवं महेंद्र कुमार सिंघल। नमस्कार, मैं गीतम बघेला, बघेला मेडिकल स्टोर सरानीखेड़ा एवं सीमेंट एजेंसी की तरफ से सभी देशवासियों को दीपावली एवं भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर से कामना करते हैं सभी देशवासी, प्रदेशवासी एवं ग्रामवासी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। प्रदेश में इस बार दीपावली काफ़ी हर्षोल्लास और उत्साह से मनाई जा रही है। जैसा सबको विदित है कि दो वर्ष कोरोना के कारण ये दीपावली का पर्व अच्छे से मना नहीं पाए थे लोग। काफ़ी कैजुअलिटीज हुई थी, परिवार में दुर्घटनाएं हुई थी, कोविड से लोग असामयिक मृत्यु के ग्रास हो गए थे। तो इस अवसर पर मैं सभी को दीपोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ और सब लोगों को ये अपील करता हूँ कि वे लोग बिल्कुल सुरक्षा अपनी स्वयं का ध्यान रखें, अपने जान माल का, क्योंकि पटाखों से थोड़ा वैसे ग्रीन केकर्स को हमने ग्रीन पटाखे अलाउ किए हैं, तब भी ज्वलनशील पदार्थों से उनसे दूर रहें, अपने आप को सुरक्षित रखें, दूसरों लोगों को भी रखें, किसी तरह की कोई घटना न हो। गैस सिलेंडर वगैरह का यूज करते समय, घर परिवार में पकवान बनाते समय उसमें पूरी सावधानी रखें। प्रशासन ने अपने स्तर पर पूरी तैयारी की हुई है, पूरा समुचित कानून व्यवस्था के लिए जाब्ता लगाया हुआ है, मोबाइल हमारी गश्त करेगी और रात्रि सुरक्षा भी पूरी की गई है। बाज़ारों में काफ़ी उत्साह, व्यापार संघ से हमने मीटिंग करके उनको अनुरोध किया है अपनी बार दीपोत्सव पर्व को पूरे उत्साह से बाज़ार में सजावट करके और हर्षोल्लास से मनाएं। धौलपुर जिला में भाईचारे का एक अपना एक अनूठा इतिहास है, जो सब लोग एक दूसरे की त्यौहार का, एक दूसरे की परम्परा का पूरा सम्मान सद्भाव रखते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार भी ये पर्व धौलपुर जिला के प्रदेश धौलपुर जिले के वासी सभी लोग इसमें पूरे भाईचारे से, सांप्रदायिक सद्भाव से, पूरा अपने आप को सुरक्षा रखते हुए धूमधाम से मनाएंगे। मेरी पुनः सभी जिलेवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद। नमस्कार, मैं मनीष कुमार सिंघल, डबल ए क्लास कॉन्ट्रैक्टर मैसर्स मुरारीलाल सिंघल फर्म की ओर से सभी राजस्थान प्रदेशवासी एवं धौलपुर नगरवासियों को दीपावली भाई दूज गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। मैं मोहन वर्मा, अध्यक्ष सरकार संघ धौलपुर से सभी नगर वासियों को और जिले वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी के घर में माँ लक्ष्मी विराजमान हो, गणेश जी विराजमान हो, सब कुछ सकुशल रहे। धौलपुर जिले के सभी नागरिकों को शहीद छत्तर सिंह, पंचम सिंह एवं
ग्राम पंचायत तसीमों की ओर से दीपावली पर्व की सभी जिलेवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन पूर्वी राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष एवं जी के बिल्डर्स धौलपुर के चेयरमैन गिरीश कुमार गर्ग की ओर से सभी रणछोड़ नगरी धौलपुर वासियों को एवं राजस्थान प्रदेश वासियों को धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि माँ लक्ष्मी सभी प्रदेशवासियों पर अपनी कृपा बनाए रखे और सभी के जीवन में खुशियाँ लाए। हैप्पी दिवाली। प्रताप कुशवाहा सरपंच प्रतिनिधि ग्राम पंचायत हिनौता की ओर से सभी ग्राम पंचायत हिनौता वासियों को, मनिया क्षेत्र वासियों को एवं धौलपुर जिले वासियों को धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। मैं सभी ग्राम पंचायत वासियों से अपील करता हूं कि अपनी ग्राम पंचायत को साफ, स्वच्छ और सुंदर बनाने में सहयोग करें तथा राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाएं। नमस्कार, मैं रविंद्र सेतिया सरपंच ग्राम पंचायत समोनवा की तरफ से समस्त धौलपुर वासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। यह त्यौहार आपके जीवन में नई उमंग, खुशियां लाए, ऐसी मैं प्रभु से कामना करता हूं। धन्यवाद। चरण ग्रुप के चेयरमैन व सरपंच संघ धौलपुर के पूर्व अध्यक्ष बोहरे महेश शर्मा तथा डबल ए क्लास गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर बोहरे सचिन शर्मा की ओर से सभी धौलपुर जिले वासियों को एवं प्रदेश वासियों को धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि यह दीपावली सर्व समाज में खुशियों की रोशनी लेकर आए, सभी समाजों के बीच आपसी भाईचारा, सौहार्द, प्रेम बना रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर से हैप्पी दिवाली। एसएन ग्रुप ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट धौलपुर के डॉक्टर संजय शर्मा, ब्रजेश कुमार त्यागी, डॉक्टर सुभाष चंद शर्मा व राजेश शर्मा की ओर से सभी धौलपुर जिले वासियों को एवं प्रदेश वासियों को धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि यह दीपावली सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि व खुशहाली लेकर आए और शिक्षा एवं ज्ञान की रोशनी जगाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर से हैप्पी दिवाली। भाजपा नेता व बाड़ी विधानसभा क्षेत्र के भाजपा के प्रभारी प्रशांत सिंह परमार की ओर से सभी बाड़ी विधानसभा क्षेत्र वासियों को, धौलपुर जिले वासियों को व प्रदेश वासियों को धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ये दीपावली का पर्व आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य व कीर्ति लेकर आए, आप और आपका परिवार हमेशा खुश रहे। माँ लक्ष्मी आपको धन धान्य से समृद्ध और खुशी बनाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको एक बार फिर से हैप्पी दिवाली। आपका अपना प्रशांत सिंह परमार, प्रभारी विधानसभा क्षेत्र बाड़ी, भाजपा। कांग्रेस नेत्री शालिनी शर्मा की ओर से धौलपुर विधानसभा क्षेत्र वासियों को, धौलपुर जिले वासियों को व प्रदेश वासियों को दीपावली के पावन पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। दीपावली का पर्व आप बहुत ही खुशी, सौहार्द और प्यार के साथ मनाएं। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूं कि जिस तरह दीपावली के त्यौहार पर सारा संसार प्रकाश से जगमगाता है, उसी तरह भगवान आपके जीवन को भी प्रकाश से भर दे। अपने बच्चों के साथ रहें, उनके साथ पटाखे चलाएं और खुशी के साथ ही त्यौहार मनाएं। भगवान आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखे और माँ लक्ष्मी आप पर अपनी कृपा बनाए रखे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हैप्पी दिवाली। आपकी अपनी शालिनी शर्मा, कांग्रेस नेत्री, विधानसभा क्षेत्र धौलपुर। समस्त जिलेवासियों को मेरी ओर से दीपावली, गोवर्धन पूजा एवं भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि सभी जिलेवासियों की मनोकामना पूर्ण करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। राम राम साहब। आपका अपना गोरीलाल कुशवाहा।
रोटरी क्लब धौलपुर के पूर्व असिस्टेंट गवर्नर रोहिल सरीन, प्रेसिडेंट डॉक्टर रेणु निखिल अग्रवाल, सेक्रेटरी प्रिया त्यागी और कोषाध्यक्ष अतुल कुमार भार्गव की ओर से सभी धौलपुर जिले वासियों को, प्रदेशवासियों को एवं देशवासियों को धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि दीपावली का यह त्यौहार आपके जीवन में खुशियाँ लेकर आए। आप हमेशा स्वस्थ रहें और मस्त रहें। हैप्पी दिवाली। राम राम साहब, मैं आकाश सिंह यादव, जिलाध्यक्ष श्री राजकीय राजपूत कंडी सेना, समस्त धौलपुर वासियों को एवं ग्राम वासियों को दीपावली और गोवर्धन पूजा और भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श, छोटों को मेरा तहे दिल से बहुत बहुत प्यार, और मैं आशा करता हूं कि आप सभी का ये त्यौहार बहुत धूमधाम से मने। राम राम साहब। राजाखेड़ा विधायक रोहित बोरा की ओर से सभी राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र वासियों को, धौलपुर जिले वासियों को एवं प्रदेश वासियों को धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी निरोगी रहें, खुश रहें और सुखी रहें। माँ लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर से आप सभी को हैप्पी दिवाली। आपका अपना रोहित बोरा, विधायक राजाखेड़ा। रमाकांत गोस्वामी, LIC बीमा अभिकर्ता धौलपुर की ओर से सभी धौलपुर जिले वासियों को एवं प्रदेश वासियों को धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा एवं भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाई। मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, निरोगी रहें और खुश रहें। हैप्पी दीपावली। हमारे यहाँ सभी प्रकार के LIC बीमा किए जाते हैं, एक बार अवश्य मौका दें। जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, इसलिए LIC बीमा करवाना ना भूलें। रमाकांत गोस्वामी, पता मनोहर विहार कॉलोनी धौलपुर। प्रेम सिंह मीणा, हरी सिंह का बड़ा, सरमथरा पंचायत समिति वार्ड नंबर 2 की ग्राम पंचायत भरकुंजरा नीलोटी से पूर्व प्रत्याशी कांग्रेस। मैं वार्ड नंबर 2 की समस्त जनता जनार्दन को धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा एवं भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूँ। साथ ही मैं माँ लक्ष्मी जी से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे पंचायत समिति बाढ़ एवं क्षेत्र की समस्त नागरिकों के जीवन में धन वैभव, सुख शांति लाए और अच्छा स्वास्थ्य, सुख समृद्धि दे। दीपावली पर्व को आपस में प्रेम, स्नेह व हर्षोल्लास के साथ मनाएं। साथ ही मैं पुनः सभी क्षेत्रवासियों से अपील करता हूँ कि अपने आसपास गंदगी ना फैलाएं और गोवर्धन पूजा, दीपावली, भाई दूज सभी त्योहारों को प्रेम से मनाएं। राम राम। मैं कमल सिंह कुशवाहा, सरपंच प्रतिनिधि ग्राम पंचायत नारायणपुर, ग्राम पंचायत नारायणपुर की समस्त जनता जनार्दन को धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा एवं भाई दूज की हार्दिक बधाई देता हूं। मैं माँ लक्ष्मी जी से प्रार्थना करता हूं यह दीपावली का पर्व ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए। मैं समस्त ग्राम पंचायत के लोगों से अपील करता हूं, राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और दीपावली का पर्व आपस में भाईचारे के साथ मनाएं। राम राम साहब। धन्यवाद। बसेड़ी पंचायत समिति ग्राम पंचायत ताजपुरा के लोकप्रिय क्षेत्र के जन जन के लाडले सरपंच प्रतिनिधि व पूर्व सरपंच मलखान सिंह गुर्जर की ओर से पंचायत की सभी जनता जनार्दन को हाथ जोड़कर धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा व भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। दीपावली का यह पर्व आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए और माँ लक्ष्मी जी की कृपा मेरी ग्राम पंचायत के वासियों पर बनी रहे और मेरी पंचायत के सभी लोग खूब तरक्की करें, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। अपील, सभी ग्राम पंचायत वासी सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। अपने घरों के आसपास साफ सफाई बनाए रखें। दीपावली का पर्व आपस में भाईचारे के साथ मनाएं। राम राम सा। धन्यवाद। पंडित जी, गोवर्धन को लेके भी लोगों के मन में कई तरीके की चर्चाएं चल रही हैं। गोवर्धन पूजा का समय क्या रहेगा शुभ, इसके बारे में आप बताइए।
जी देखिए, मैं एक चीज़ और इसमें पहले दीपावली पर बताना चाहूँगा कि जैसे लक्ष्मी जी का आपने पूछा भोग में क्या रखना चाहिए, तो भोग के साथ कुछ चीज़ें और विशेष रूप से माँ लक्ष्मी को प्रिय होती हैं, वो भी हमें चढ़ानी चाहिए। जैसे कमल का फूल यदि हमें मिल जाए तो विशेष रूप से वह कमल का फूल हम उनको अर्पित कर सकते हैं। यदि किसी कारणवश कमल का पुष्प नहीं मिल रहा है तो लाल पुष्प हम उनको अर्पित कर सकते हैं। वह अर्पण करने से भी हमें सुख समृद्धि, अब हम लक्ष्मी को क्या लक्ष्मी चढ़ाएंगे, इसलिए हमारे पास जो भाव होंगे उन भावों से हम जितना ज़्यादा श्रद्धा से हम करेंगे उतना ही पूजा श्रेष्ठ होती चली जाएगी। तो हमें लाल फूल माँ को चढ़ाना है, और कमल का पुष्प नहीं मिलता है तो कमल गट्टा नाम से बाज़ार में एक कमल गट्टा आता है, वो कमल गट्टे हम गोल होते हैं और काले रंग के होते हैं, उन्हें हम माँ लक्ष्मी को अर्पित कर सकते हैं। और उनके अलावा एक विशेष बात और होती है, जैसा कि धन त्रयोदशी आती है तो 23 तारीख को धन त्रयोदशी वाले दिन हमें धनिया भी खरीद लेने चाहिए, जो साबुत धनिया होता है वह साबुत धनिया धन त्रयोदशी को खरीदें और लक्ष्मी जी को दीपावली वाले दिन उनको अर्पित करें। कमल गट्टा हो गया, धनिया हो गया, और कमल का पुष्प मिल जाए श्रेष्ठ है, खीर का भोग लग जाए अत्यंत श्रेष्ठ है, ये विधि अगर हम करते हैं। लेकिन ये बात याद रखें, लक्ष्मी जी का कभी अकेले पूजन नहीं किया जाता है, तो गणेश जी का पूजन भी हमें, ताकि हमें सद्बुद्धि मिलती रहे, वह साथ में करना है। अब अन्नकूट और गोवर्धन पूजा का आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि हर बार ये मान्यता रहती है कि धन त्रयोदशी, उसके बाद छोटी दीपावली, उसके बाद दीपावली, उसके बाद गोवर्धन पूजा, और उसके बाद भाई दूज, ये 5 दिवसीय कार्यक्रम और रहता है और त्यौहार रहता है। इस बार क्या है कि धन त्रयोदशी बिल्कुल दीपावली से एक दिन पहले हो गई है, और अगले ही दिन जो होना चाहिए था, जिसमें कोई दिनों का गैप नहीं होता है, वो एक दिन छोड़ करके हुआ है। तो इसका विशेष रूप से कारण ये है, तिथियों से इतना प्रभाव नहीं पड़ता है, सूर्य ग्रहण 25 अक्टूबर को, यानी कि जो मंगलवार दीपावली के अगले दिन जी। 25 अक्टूबर 2022 को सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है, और ये जो ग्रहण है वो तुला राशि पर पड़ रहा है। तो सूर्य ग्रहण जो पड़ेगा उसका समय है 4:30 बजे से और लगभग 6 बजे तक, तो इस समय के जो अंतराल में ग्रहण पड़ेगा, तो सूर्य ग्रहण का जो सूतक पातक जो होता है, जिसे हम सूतक बोलते हैं, वो ठीक 12 घंटे पहले प्रारंभ हो जाता है। अतः प्रातःकाल 4:30 बजे से, यानी कि 24 तारीख को जो दीपावली है उसकी रात्रि 4:30 बजे से ही सूतक लग जाएगा। इसलिए हमें जो भी पूजा करनी है दीपावली की, जो भी स्तोत्रों के पाठ करने हैं, कई लोग अपने घर गोपाल सहस्त्रनाम के पाठ करवाते हैं या कोई अन्य पूजाएं करते हैं, वो हमें 4 या 4:15 बजे तक समाप्त कर देनी है, उनको विश्राम देना है, उसके बाद में कोई पूजा नहीं, सूतकों में कोई पूजा नहीं होती है किसी के यहाँ भी। उसके बाद में ये जो ग्रहण पड़ रहा है, उस ग्रहण के निवारण के बाद ही हम उस पर्व को मना सकते हैं। और चूँकि प्रतिपदा जो तिथि है, वह तिथि भी अगले दिन यानी कि 26 तारीख को प्रातःकाल पड़ रही है और उसमें द्वितीया का भी योगदान हो रहा है, तो गोवर्धन पूजा है, अन्नकूट है और भाई दूज है, जिसको हम यम द्वितीया भी कहते हैं, ये सारे पर्व हमें 26 तारीख को मनाने हैं। 26 अक्टूबर को यानी बुधवार को हमें ये सारे पर्व मनाने को श्रेष्ठ रहेंगे। इनकी पूजा अर्चना जो भी वंदना में करनी है वो 26 तारीख को ही करनी है। पंडित जी, हम हमेशा से देखते आए हैं कि गोवर्धन की जो पूजा होती है वो दिवाली के हमेशा दूसरे दिन ही होती है, पर ऐसा कितने सालों बाद संयोग बन रहा है कि वो अगले दिन ना होकर उसके और अगले दिन गोवर्धन की पूजा की जाएगी? देखिए, इस बार जैसा कि धन त्रयोदशी की बात है, वो एक दिन पहले आ गई है, और जो एक दिन बाद होता है गोवर्धन पूजा, वो एक दिन छोड़कर के बीच में से उधर जा रहा है, तो ये 100-200 सालों में कभी कभी ऐसा होता है। अब जो ग्रहण पड़ रहा है, इसका भी हम विशेष महत्व तो इसलिए मान रहे हैं क्योंकि ग्रहण में कोई पूजा तो हो ही नहीं सकती है। विशेष रूप से मैं तुला राशि वालों से अनुरोध करूँगा, क्योंकि तुला राशि पर सूर्य ग्रहण है, तो वह वे लोग क्या करें कि नियम जो शास्त्रों का है वो बालक, वृद्ध और रोगी इन पर लागू नहीं है। उसका नियम ये है शास्त्रों का कि जब सूतक लग जाए तो भोजन नहीं करना चाहिए, यानी कि सुबह 4:30 बजे के बाद हमें पूरे दिन भोजन नहीं करना है। हम कुछ पदार्थ, पेय पदार्थ यानी लिक्विड जो होता है वो ले सकते हैं, दूध है, चाय है या कोई जूस वगैरह हम ले सकते हैं, और जब ग्रहण पड़ता है 4:30 बजे से, उस समय हमें वह भी नहीं लेना है, यानी कि जो 1.5 या 2 घंटे ग्रहण पड़ता है उस समय में हमको कोई भी पेय पदार्थ भी नहीं लेना चाहिए। इससे क्या है कि जो
मान्यताएं हैं, कई लोग इसको इसका खंडन भी करते हैं कि ऐसा नहीं होता है, लेकिन जिसके साथ में जब घटनाएं घटती हैं उसको इसका विशेष रूप से अनुभव हो जाता है। तो हमें करना क्या है, प्रयास ये करना है कि जब सूर्यग्रहण पड़े तो हम पानी भी ना पिएं और सूर्यग्रहण को प्रत्यक्ष अपनी आँखों से ना देखें। यदि कहीं टेलीकास्ट हो रहा है टीवी वगैरह पर तो हम देख सकते हैं, लेकिन तुला राशि वाले अगर ना देखें तो वो और भी अच्छा है, क्योंकि उनके लिए ये जो ग्रहण है विशेष रूप से नष्ट नहीं है। तुला राशि के साथ में कर्क राशि है, मीन राशि है, धनु राशि है और तुला राशि, चारों राशियाँ इन या वृश्चिक राशि है, इनके आसपास जो भी हैं उनको यह ग्रहण नष्ट है, बहुत अच्छा नहीं है। बाकी अन्य राशियों पर इसका कोई प्रभाव इतना ज़्यादा नहीं है। तो ग्रहण की वजह से ही ये अनेक सालों बाद ऐसा हो रहा है कि दीपावली के अगले दिन ये गोवर्धन पूजा है या अन्नकूट हम जिसको कहते हैं, वो उस दिन न मना करके उसके अगले दिन यानी भाई दूज वाले दिन हमको मनाना पड़ रहा है। पंडित जी, आपने सूर्य ग्रहण की जानकारी बहुत अच्छी दी और काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा इस सूर्य ग्रहण के बारे में, सूतक के बारे में। तो मैं एक बार और आपसे निवेदन करना चाहूँगी कि हमारे दर्शकों को आप एग्जैक्ट टाइम बता दीजिए कि इस टाइम से इस टाइम तक हमें ना कुछ खाना है, ना कुछ पीना है और ना ही हमें सूर्य के दर्शन करने हैं। जी देखिए, 4:30 से और 6 तक ये जो ग्रहण है, अब कई लोग कहते हैं हम ग्रहण देखेंगे हमें अच्छा लगता है, वो आप देख सकते हैं, इससे हमेशा ग्रहण जब भी पड़ता है हमारी आंखों पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। कई बार वैज्ञानिक भी इस बात को कहते हैं कि आप इसको डायरेक्ट सनलाइट को बिल्कुल डायरेक्ट मत देखिए, आँखों में रोशनी में प्रभाव पड़ता है। और मैं तो ये कहता हूँ, शास्त्र कहते हैं कि ग्रहण के समय बाहर नहीं निकलें, ग्रहण के समय हमें कोई कार्य नहीं करना है, ग्रहण जब पड़ता है तो उस समय पढ़ाई भी नहीं करें तो बहुत अच्छा रहता है। उस समय हम क्या कर सकते हैं, एक तो खाना पीना बंद कर दें, हमारे जो इष्ट हैं या जिनकी हम पूजा करते हैं वो उनका कोई मंत्र हो, पुस्तक को किसी को छूना नहीं है, माला हाथ में नहीं लेनी है, आप बैठ के उस मंत्र का जप कर सकते हैं। लेकिन 4:30 से 6 का जो समय है, इस समय के लिए एक विशेष उपाय ये है, कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो हमारे केंद्र से मिलते हैं, उनको सूर्य ग्रहण बताया जाता है, उनकी कुंडली में सूर्य ग्रहण होता है, तो सूर्य ग्रहण वाले समय तुला राशि के लोग भी ऐसा कर सकते हैं, और जिनकी कुंडली में सूर्य ग्रहण है तो वह सूर्य ग्रहण वाले व्यक्ति कुछ गेहूं लेकर के उन एक लाल कपड़े में रख लें, उसके साथ में तांबे का कोई बर्तन, थोड़ी सी दक्षिणा, लाल पुष्प और लाल मिठाई, ये सारी चीज़ एक जगह कर लें और अपने सिर से नीचे ऐसे ऊपर से नीचे 7 करते हुए 7 ऊपर से नीचे करके और उसमें प्रार्थना करें कि हमारी कुंडली में जो सूर्य ग्रहण है या जो सूर्य ग्रहण पड़ रहा है हमारी राशि पर वह शांत हो, उसका दुष्प्रभाव हम पर ना पड़े और उसको अनाज को या जो भी हमने लिया हुआ उस वस्तु को हम अलग रख दें। उसके बाद में अगले दिन प्रातःकाल किसी भी सफाई कर्मी को, वो कोई भी हो, आपके घर आता हो, बाहर आता हो, नगर परिषद का हो, उस सफाई कर्मी को आप उस वस्तु को दे दें। यदि कोई उसको ग्रहण नहीं करता है तो हनुमान जी के मंदिर में उन वस्तुओं को हम जा करके रख दें तो सूर्य ग्रहण का प्रभाव निश्चित ही कम हो जाता है। पंडित जी, सूर्य ग्रहण अन्नकूट वाले दिन पड़ेगा तो उसका भाई दोष पर क्या असर पड़ेगा, ये आप हमारे दर्शकों को एक बार बता दीजिए। देखिए, सूर्य ग्रहण अन्नकूट वाले दिन गोवर्धन पूजा वाले दिन पड़ रहा है, इसलिए असर कुछ नहीं है, असर ये पड़ रहा है कि जो भाई दोष है वो हमें गोवर्धन पूजा के साथ ही करनी है, यानी कि हमें जो समय मिलता था एक दिन का जिसमें हम गोवर्धन पूजा कर लेते थे, फिर उसके बाद में भाई दूज का अगले दिन का समय मिलता था, वो समय थोड़ा सा जो चित्रगुप्त पूजा होती है कई लोगों के यहाँ, जो भाई दूज होती है उस दिन विश्वकर्मा पूजा और चित्रगुप्त पूजा होती है, वो पूजा जरूर 27 को होगी, वो उसका समय जरूर है, लेकिन भाई दूज का या यम द्वितीया का जो समय है वो 26 को ही है और 26 को ही हमें उसको गोवर्धन पूजा के साथ ही उसको मनाना है। इसलिए ये विशेष इस बार यही है कि गोवर्धन पूजा और भाई दूज एक साथ हो रहे हैं। तो पंडित जी, भाई दूज का, भाई को तिलक करने का सही टाइम क्या रहेगा? देखिए, यदि मैं समझता हूँ कि 3:00, क्योंकि उस दिन बुधवार है तो दोपहर में 12:30 से 1:30 तक राहु काल का भी समय रहता है और उसके बाद में फिर द्वितीया लग रही है तो प्रतिपदा का भी उसमें क्षय हो जाएगा, द्वितीया लग जाएगी, तो 3:00 का समय जो है वह उसके बाद का जो भी समय है, यदि हम गोवर्धन पूजा तो पहले कर लें और उसके बाद में इस समय में भाइयों का तिलक करें तो वो श्रेयस्कारी रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। बहन भाई को कौन सी मिठाई खिलाए जिससे दोनों भाई बहन में आपसी प्यार बना रहे? देखिए, मिठाइयाँ तो प्राचीन परंपरा से हमारे यहाँ 2 या 3 मिठाइयाँ चलती थी, आप पूछेंगे कौन सी, एक गुड़,
सबसे अच्छा मीठा पदार्थ जो भी है वो हमारे शास्त्रों में गुड़। पर आज की जनरेशन गुड़ को पसंद नहीं करती जी, आज की जनरेशन कैडबरी वाली है। लेकिन अब हो क्या रहा है कि हमारे यहाँ अनेक मिठाइयाँ तो बहुत चलती थी, प्राचीन काल से चल रही हैं, लेकिन उनका हम लुप्त करके उनको अब धीरे धीरे उनको क्या है, या आप कह सकते हैं आधुनिकता में ला रहे हैं। जैसे खोए की सारी मिठाइयाँ पहले बनाई जाती थी और उनके अनगिनत नामों से उनको जाना जाता था, तो उनका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि शुद्ध रूप से जो खोए की मिठाई हो वो क्या है, शुद्ध चंद्रमा जो है इसका प्रतिनिधित्व करता है, नेतृत्व करता है, और चंद्रमा शीतल होता है, तो शीतल का मतलब होता है आपस में शांति बनाए रखना। तो खोए से बनी किसी भी मिठाई का अगर हम प्रयोग करते हैं तो विशेष रूप से लाल रंग का प्रयोग ना करें, क्योंकि लाल जो मिठाइयाँ होती हैं वो थोड़ा गर्म उसमें आती हैं, इसलिए शांति के लिए भाई बहन में आपस में प्रेम बना रहे, स्नेह बना रहे, खोए की मिठाइयों का प्रयोग हम कर सकते हैं। ये थे हमारे साथ पंडित लोकेश आचार्य जी, जिनसे आपको काफ़ी जानकारी मिली, और मैं आशा करती हूँ कि ये सभी जानकारियाँ आपके काम आए। तो इसी के साथ धन्यवाद, और आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ।